सो हेलो भाई और बहनों। तो यार आज के इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं नया सुपर ट्रूप जो आने वाला है क्लैश ऑफ क्लैंस में ये हैलोवीन सीजन में। तो यार काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और मेरा नाम है अल्बिन और आप लोग देख रहे हैं अल्बिन 005। तो यार शुरू करते हैं वीडियो विदाउट एनी डिले। और आज के इस वीडियो का टॉपिक है दो सुपर ट्रूप जो आने वाला है क्लैश ऑफ क्लैंस में ये हैलोवीन टाइम में, मतलब हैलोवीन सीजन में, जो आई थिंक अक्टूबर स्टार्ट में या तो एंड में होता है। मैंने उसके ऊपर रिसर्च नहीं किया, पर हैलोवीन मंथ में आ सकता है। ओके सो वो कौन कौन से सुपर ट्रूप्स है उसके बारे में बातें करेंगे, उसके एबिलिटीज़ के बारे में बातें करेंगे एंड क्यों, मतलब क्यों आ सकता है, उसके साथ ही साथ किसने रिवील किया कि ये आ सकता है। और सबसे पहले हम बातें करेंगे किसने रिवील किया कि ये सुपर ट्रूप आ सकते हैं। तो वो हमारा फेवरेट सुमित 007 भाई ने बोला है कि ये दो सुपर ट्रूप्स का आने का संभावना है। मतलब डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली हमसे बातें किया गया है एंड अपुन ने उसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं। सबसे पहले वो सुपर ट्रूप कौन कौन से हैं मैं बता देता हूँ। सबसे पहले सुपर हॉक। ऑब्वियसली ये सुपर हॉक जब से सुपर ट्रूप इंट्रोड्यूस हुआ है क्लैश ऑफ क्लैंस में, तब से हर यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि सुपर हॉक ये मंथ में आएगा, सुपर हॉक ये मंथ में आएगा। घंटा क्लैश ऑफ क्लैंस ने हमारे ऊपर दया दिखाया है और अभी तक सुपर हॉक आया ही नहीं है। और सेकेंड है सुपर हेड हंटर। और ये चीज मैंने इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि ये थोड़ा सा यूनिक लगा मुझे सुपर हेड हंटर। तो ये दो सुपर ट्रूप आने वाला है, उसके क्वेश्चन का भी आंसर मैंने दे दिया कौन कौन से सुपर ट्रूप आने वाले। तो थर्डली हम बातें करेंगे व्हाट विल बी द एबिलिटीज। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं लड़की से, वो है हमारा सुपर हेड हंटर। सो सुपर हेड हंटर्स का एबिलिटी में वो स्लो डाउन डिफेंस, आप लोगों को वीडियो मैं दिखा लेता हूँ प्रूफ की जगह, फेंक रहे थे कि नहीं आई डोंट नो, पर बड़े क्रिएटर्स बोल रहे तो मे बी देर मे बी अ पॉइंट और वो आने का चांसेस हाई होगा, है ना। तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हो। चलो हेड हंटर्स अभी भी जिंदा है हमारे, हेड हंटर्स अगर डिफेंस उसको भी स्लो डाउन कर देते ना भाई मजा ही अलग आ जाता। सो गाइस आप लोगों ने देख लिया रहेगा कि भाई साहब क्या एबिलिटी है, सुमित भाई ने ही हमें रिवील कर दिया एबिलिटी। और सेकेंडली हम बातें करेंगे सुपर हॉक के बारे में, जो ऐसा एक चीज़ है मतलब जो भाई साहब सब लोग बना रहे थे वीडियो उसके ऊपर, मतलब ये आएगा इसका एबिलिटी, ये आएगा थंडर वाला आएगा। मैं एक फेवरेट एबिलिटी आपको बता रहा हूँ, तो वो है स्टार्टिंग के 3 सेकेंड या 5 सेकेंड, जैसे गॉबलिन हमारा 8 सेकेंड हमारा स्नीकी गॉबलिन इनविजिबल होता है, वैसे ये सुपर हॉग स्टार्टिंग के 8 सेकेंड 5 सेकेंड अपना हैमर से जितना मारेगा ना वो डबल डैमेज लगेगा। मतलब अगर ये डैमेज पर सेकेंड DPS इज इक्वल टू 5, मतलब 5 है उसका डैमेज पर सेकेंड, तो क्या होगा वो 8 सेकेंड या 5 सेकेंड के लिए द टाइम गिवन उसमें वो डबल करेगा, मतलब इनटू 2 पावर, जैसे 10 हो जाएगा उसका डैमेज पर सेकेंड, मतलब डिफेंस में मारने का उसका पावर हो जाएगा 10, समझ रहे हो, मतलब रेशियो देख रहे हो, तो वैसा हो जाएगा 2-2 डैमेज मिलने का, वो बहुत मस्त है। सुपर हॉक में हम लोग को पिछले वीडियो हम लोग ने देखा रहेगा सुमित भाई के, सुमित 007 भाई के थंबनेल में देखा रहेगा क्लैन फेस्ट का, मतलब क्लैश फेस्ट का इवेंट का जो वीडियो था उसका उन लोगों ने निकाला था, मतलब एक थंबनेल बना दिया था उसका। एंड उसमें आप लोगों ने देखा रहेगा कि एक हमारा एलिक्सर गोलम भगा रहा है हमारे हॉक को एंड वो सुमित भाई ने लगा दिया अपने थंबनेल में। एंड इसलिए मैं एक श्योर दे सकता हूँ कि ये मे बी एक हिंट हो सकता है कि सुपर हॉग आएगा, या तो जस्ट सुमित भाई का फेवरेट रूप होने के कारण हो सकता है, पर हम लोग क्या करेंगे सुपर हॉग का विश्वास में रहेंगे, समझ रहे हो। तो यार आज की इस वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, पीस।